streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो क्यू। आज हम आपके लिए एक और नया अपडेट वीडियो लेके आ गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो ऑल ओवर यूट्यूब एक्सक्लूसिव रहने वाला है, बिकॉज ओल्ड और न्यू i20 को अभी तक किसी ने भी कंपेयर नहीं किया है। अच्छा दोस्तों, अब आपको बता देते हैं ये राइट कंपैरिजन कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, आप जो दो i20 अपने सामने देख रहे हैं, ये दोनों ही मैग्ना वेरिएंट है, तो ये एकदम राइट कंपैरिजन रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को अभी के अभी दबा दें। साथ ही दोस्तों, बात करें तो इस गाड़ी का हम आपको एक्सटीरियर, इंटीरियर से लेके और सब कुछ इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, न्यू i20 की ऑन रोड प्राइसिंग भी इसी वीडियो में दी गई है, तो मेक श्योर करें कि वीडियो को एंड तक देखें। और अगर कोई जानकारी आपसे मिस हो जाती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टा आईडी दी हुई है, वहां पे हमें कॉन्टेक्ट करें। चलिए दोस्तों, अब दूर से एक आउटलुक दिखाते हैं आपको सबसे पहले दोनों गाड़ियों का। हजार्ड लैंप्स ऑन कर दिए हैं दोस्तों, और चेकआउट करें, आपको दोनों ही एंगल से हम गाड़ी दिखा देते हैं। ओल्ड वाली दोस्तों हमारे पास ग्रे कलर में है, एंड न्यू वाली हमारे पास व्हाइट कलर में है। चेकआउट करें और हमें अपने थॉट्स जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं गाड़ी के क्लोज लुक की तरफ। तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, हैलोजन हेडलैम्प्स दोनों में यूज करे गए हैं। ओल्ड की तरफ देखें एक बार और ये देखें न्यू की तरफ, तो आप साफ पता लगा लेंगे कि इंस्पिरेशन ह्यूंडई वर्ना से ली गई है। चलिए दोस्तों, अब एक क्लोज डिस्क्रिप्शन दे देते हैं आपको। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है, ह्यूंडई की बैजिंग है। साथ ही दोस्तों, हेडलैम्प्स चेकआउट कर लें तो हेलोजन हेडलैम्प्स प्रोवाइडेड है आपको, एक क्लोज लुक ले लीजिए। साथ ही नीचे फॉग लैम्प्स और DRLs आपको मिल जाते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों न्यू लुक की तरफ। तो हेडलैम्प्स थोड़े से स्लीक हो गए हैं, हेलोजन हेडलैम्प्स है, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स है और DRLs भी साथ में दिए गए हैं। ग्रिल चेकआउट कर लें तो दोस्तों, ग्रिल यहाँ भी पियानो ब्लैक है ह्यूंडई की बैजिंग के साथ, बट डिजाइन चेंज कर दिया गया है और बंपर का लोअर पार्ट भी पियानो ब्लैक में फिनिश्ड है। ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों दोनों गाड़ियों की सिमिलर ही दिख रही है। अब बढ़ते हैं हम अपनी साइड लुक की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ आपको मिल जाएंगे 15 इंचेस के टायर्स और ओल्ड वाली में आपको मिलते थे 14 इंचेस के टायर्स। चलिए दोस्तों, इंडिकेटर्स आप देख पा रहे हैं दोनों के फेंडर्स पे, और साइड लुक देखिए दोस्तों, तो बताएं आपको कौन सी वाली बेटर लग रही है। फुल डिस्क्रिप्शन दोस्तों हम देंगे ही, फ्रीज लाइन्स न्यू वाली की काफी अच्छी दिख रही है। विंग मिरर्स चेक कर लें दोस्तों, तो न्यू वाली के काफी इम्प्रूव कर दिए गए हैं और काफी यूनिक डिजाइन के साथ आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पीछे की तरफ, तो चेकआउट करते हैं और चीजों का। चलिए दोस्तों, अब आ गए हैं आपको लेके साइड लुक की तरफ। तो दोस्तों, ये हैं आपके सामने 14 इंचेस के टायर्स जिनका साइज है 185/70/14। ये विंग मिरर्स आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं और फुल साइड लुक आपके सामने है। ये सी पिलर दोस्तों ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है। अब न्यू की तरफ देख लें तो दोस्तों, इसका टायर साइज है 185/65/R15। दोस्तों, इसके व्हील कवर्स थोड़े डार्क ग्रे फिनिश में दिए गए हैं और विंग मिरर्स दोस्तों इसके काफी स्लीक हैं। दोस्तों, सी पिलर दोनों के चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा था इन दोनों के साइड लुक में। चलिए दोस्तों, अब आ गए हैं आपको रियर की तरफ लेके। दोस्तों, माफी चाहूंगा, लाइटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है। पहले टेल लैंप्स चेकआउट करें दोनों के और बताएं किसका डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है। दोस्तों, ये होल न्यू जनरेशन चेंज है, तो मेजर डिफरेंसेस आपको दोनों गाड़ियों में दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों, पहले ओल्ड i20 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऊपर से शुरू करते हैं। लॉन्ग एंटीना दिया गया है आपको, साथ ही हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगा, वाइपर डिफॉगर नहीं मिलेगा, ह्यूंडई की बैजिंग आप देख पा रहे हैं, टेल लैंप्स और फॉग लैंप्स दिए गए हैं, i20 की बैजिंग करी गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों न्यू वाली की तरफ। तो यहाँ भी ऊपर से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ माइक्रो एंटीना मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, वाइपर डिफॉगर यहाँ भी नहीं मिलेगा, पियानो ब्लैक का टच, i20 की बैजिंग और एक कनेक्टेड टेल लैंप्स का लुक। दोस्तों, दोनों ही टेल लैंप्स हैलोजन है, तो उसमें आपको कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। रियर लुक भी एक बार दोनों की चेकआउट कर लें। साथ ही दोस्तों, यहाँ साइड से देख लें आपको कौन सी बेटर लगती है, हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। सबसे पहले तो ओल्ड वाली का इंटीरियर चेकआउट कर लें। दोस्तों, फुल डिटेल इंटीरियर की हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में देंगे। चलिए दोस्तों, अब पीछे की तरफ बढ़ते हैं और अब आपको लेके आ गए हैं हम दोनों गाड़ियों के फ्रंट की तरफ। और दोस्तों, आप सही समझे, अब होने वाला है हेडलाइट्स एंड फॉग लैंप्स टेस्ट। तो दोस्तों, ये आपके सामने है
दोनों I-20 के हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, हाई बीम, लो बैम, सब कुछ। इंडिकेटर चेकआउट कर लें दोस्तों, ट्रायंगुलर दिए गए हैं न्यू वाली में, ओल्ड में थोड़े स्लीक लग रहे हैं। दोस्तों माफी चाहूंगा, दोनों ड्राइवर्स के बीच थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, बट वैसे आप चेकआउट कर सकते हैं कि दोनों की लुक अपने अपने एरिया में काफी अच्छी आ रही है। चलिए दोस्तों अब इंजन दिखा देते हैं आपको, हालांकि इंजन चेंज किए गए हैं इस गाड़ी के, बट चलिए फिर भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास न्यू वाली में जो इंजन है वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। दोस्तों ये इंजन हुंडई वेन्यू से बोरो किया गया है। और ओल्ड वाली की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों ये है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो न्यू वाली में भी कैरी ऑन किया गया है, और दोनों ही गाड़ियों में अंडरहुड इंसुलेशन आपको नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं रियर की तरफ, तो दोनों ही पार्किंग आपके सामने है। इसके बाद आपको ब्रेकिंग चेकआउट करा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों की ब्रेकिंग आपके सामने है। अब आप इंडिकेटर चेकआउट कर लीजिए दोनों के, और साथ ही आपको रिवर्स गियर भी डाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ चेकआउट करें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको हम लेके चलेंगे दोनों के बूट की तरफ, और वहां भी चेक कराएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो के लाइक के बटन को दबा दें। चलिए दोस्तों दोनों के बूट खुल चुके हैं, और दोस्तों इतना पार्ट टेल लैम्प का इनकी बॉडी पे रहता है। चलिए पहले ओल्ड वाली देख लेते हैं। तो पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलेगी, हुक्स मिल जाते हैं बूट में दोनों ही तरफ, ये देख पा रहे होंगे आप। और स्पेयर व्हील भी चेकआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों फुल साइज 14 इंच का स्पेयर व्हील दिया गया है इस वाली में। तो अभी बढ़ते हैं नई वाली की तरफ, तो वहां भी आपको बताएंगे सेम चीज। दोस्तों इंटीरियर यहां से हल्का सा आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब नई वाली की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप कमेंट्स जरूर करें ताकि हम ऐसे वीडियो और आपके लिए लेके आ पाए। दोस्तों यहाँ भी हुक्स दिए गए हैं, पार्सल ट्रे यहाँ भी आपको नहीं मिलेगी, और स्पेयर व्हील चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये है न्यू वाली का स्पेयर व्हील 185/70R14। तो दोस्तों यहाँ स्पेस सेवर टायर दिया गया है। ये दोस्तों इंटीरियर देखिए इसका। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो नई I-20 की ऑन रोड प्राइसिंग कुछ ऐसी आई है, दिल्ली और यूपी की आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आपको इंटीरियर की तरफ लेके। तो दोस्तों आप दूर से ही देख पा रहे होंगे न्यू I-20 का रियर डोर। दोस्तों ऑल ब्लैक इंटीरियर दिए गए हैं सभी मॉडल्स में न्यू I-20 के, और रियर स्पेसिंग कुछ ऐसी आपके सामने है। अब दोस्तों इस डोर को क्लोज करते हैं, और फ्रंट डोर आप देख पा रहे होंगे ओल्ड I-20 का। तो दोस्तों हमें बताएं आपको कौन सा बेटर लग रहा है। रियर लुक दिखा देते हैं आपको ओल्ड वाली की। तो दोस्तों ऐसा कुछ फिनिश दिया गया है बेज और ब्लैक के टोन में, और स्पेसिंग दोस्तों सिमिलर ही लग रही है दोनों गाड़ी में, और दोनों गाड़ी अच्छी खासी स्पेस के साथ आती हैं, तो स्पेसिंग में कोई ऐसे डाउट वाली बात नहीं है। फ्रंट डोर चेकआउट कर लें दोस्तों, और इंटीरियर्स का एक यहीं से ग्लिम्स ले लें। डिटेल में हम जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको सारी चीजें बताएंगे। चलिए दोस्तों इसको भी बंद कर देते हैं और न्यू वाली खोल के आपको दिखाते हैं। ये लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए इसका ऑल ब्लैक डोर पैनल, और इंटीरियर का लुक इसका भी यहां से एक बार ले लें। ये देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पावर विंडो और ओआरवीएम के कंट्रोल्स, कॉइन होल्डर, बॉटल होल्डर, ये देखिए दोस्तों एसी वेंट और हेडलैम्प लेवलर, स्टेयरिंग व्हील चेंज कर दिया गया है, बट माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। की चेकआउट कर लें, एक फोल्डिंग की है और एक ऐसी है। म्यूजिक सिस्टम आपके सामने है दोस्तों, और एसी वेंट्स थोड़े बाहर को पॉप आउट हो रहे हैं। गियर नॉब दोस्तों दोनों गाड़ियों में अलग अलग दिया गया है, इसमें काफी प्रीमियम टच देता है गियर नॉब आपको। कंटिन्यूस एसी वेंट्स की लुक ले लें। तो दोस्तों एसी कंट्रोल्स मुझे पसंद नहीं आए नई वाली के। ये देखिए कूल ग्लव बॉक्स दिया गया है। ऊपर चलते हैं दोस्तों सनशेड की तरफ, तो वैनिटी मिरर मिलेगा आपको पैसेंजर साइड, ये केबिन लैंप्स दिए गए हैं, सनग्लास होल्डर दिया गया है। ड्राइवर साइड चेकआउट कर लेते हैं, तो यहाँ आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब मीटर चेकआउट कर लें। तो दोस्तों ये देखिए कुछ ऐसा अच्छा खासा लिट मीटर आपको मिलता है, नाइट में कुछ ऐसा लुक आएगा। और अब यहाँ से एक लुक ले लें इसका। इसी के साथ दोस्तों पीछे की तरफ चलते हैं, और पीछे भी आपको एक लुक दे देते हैं। चेकआउट करें, रियर डोर भी दोस्तों सिमिलर है फ्रंट की तरह,
स्पेसिंग रियर में काफ़ी अच्छी दी गई है और अगर पीछे से देखें तो डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा मिलेगा। दोस्तों रियर में आपको एसी वेंट्स, साथ ही एक यूएसबी सॉकेट और एक फ़ोन के लिए जगह दी गई है। अब बढ़ गए हैं दोस्तों नई वाली ओल्ड वाली की तरफ। सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ प्रोवाइडेड हैं, बॉटल होल्डर्स, कॉइन होल्डर, हेडलैम्प लेवलर यहाँ भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए दोस्तों इसमें ओल्ड वाला स्टेयरिंग आपके सामने है। की ले आते हैं दोस्तों तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कीज़ का आपको मिल जाएगा ऑप्शन और यहाँ आपको चेकआउट करा देते हैं। तो दोस्तों ये म्यूज़िक सिस्टम मेरे को नीटली इंटीग्रेटेड लग रहा है और एसी कंट्रोल इसमें पॉप आउट नहीं हो रहे हैं। गियर नॉब दोस्तों देख पा रहे होंगे इसमें बेसिक दिया गया है, हैंड ब्रेक, कप होल्डर्स और आर्मरेस्ट इसमें भी प्रोवाइडेड है। चलिए दोस्तों ग्लव बॉक्स चेकआउट कर लेते हैं इसका भी, तो इसमें भी आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। अब सनशेड चेकआउट कर लेते हैं तो दोस्तों पैसेंजर साइड यहाँ भी आपको मिरर दिया गया है, सेंटर में केबिन लैंप्स प्रोवाइडेड है, साथ ही सनग्लास होल्डर भी दिया गया। अब ड्राइवर साइड देख लेते हैं ओल्ड वाली में क्या दिया गया, तो दोस्तों यहाँ आपको टिकट होल्डर नहीं मिलता। चलिए दोस्तों अब आपको इसका भी मीटर चेकआउट करा देते हैं। तो दोस्तों इसका भी मीटर काफ़ी अच्छा खासा लिट है और इसका भी एक दूर से आपको लुक दे देते हैं और चलते हैं आपको रियर स्पेस की तरफ लेके। तो दोस्तों स्पेसिंग में तो i20 हमेशा से ही अच्छी मानी जाती है और इसके नई वाली के साथ भी यही है, बट दोस्तों पीछे से चेकआउट करते हैं इसका डैशबोर्ड कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये गाड़ी थोड़ी और रूमी लगती है ड्यू टू डुअल टोन इंटीरियर और रियर में एसी वेंट्स इसमें भी प्रोवाइडेड है।